हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे मीठे चावल। उसके लिए थोड़ी सी सौंफ, दो तीन लौंग, दो इलायची, थोड़ा सा नारियल, थोड़े से बादाम और सोगी और एक दो चम्मच देसी घी। पहले देसी घी को कुकर में डाल लेना है। अब देसी घी को गर्म होने देना है। जब घी गर्म हो जाए उसके बीच में ये लौंग, इलायची और सौंफ डाल देना है। इसको थोड़ा सा भून लेना है। ये राइस हमने पहले से पानी के बीच में डिप करके रख रखे थे। एक ग्लास राइस है और दो ग्लास पानी के डालने हैं। अब इसके बीच में चावल डाल देंगे। और इसके बीच में हमने ड्राई फ्रूट डाल देना है। पानी इसके बीच में दो ग्लास पानी डाल देना है। कौन सा ग्लास चावल का था वही दो ग्लास पानी डाल देना है। एक ग्लास चावल का दो ग्लास पानी के डाल देने हैं। और ये एक बाउल से थोड़ा सा कम चीनी डाल देनी है। और इसको मिक्स करके और कुकर का ढक्कन लगा देना है और दो लगवानी है। देखिए गाइस, ये बन के तैयार हो गए हैं हमारे मीठे चावल। मीठे चावल देखिए, एक एक दानेदार चावल बने।